हेलो गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो गाइस आज हम फिर आ जाए न्यू पीरियडेट के साथ जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस क्लोवन फिश की। ये क्लोवन फिश इतनी बड़ी आती है भाई, बहुत ही बड़ी आती है। इसके अंदर जो कि हमें लाइट देखने को मिलने वाली है, क्या क्या इसके अंदर जो कि फिश देखने को मिलने वाला है, क्या क्या इसके अंदर हमें नया मॉडल देखने को मिलने वाला है, पूरा मैं जो है कि आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दुबई में अभी नया प्रोडक्ट आया है ये फिश का, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं पूरा मैं आपको रिव्यू बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही डेली डेली इस वाले चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो गाइस अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं लेकर के। सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अली, आप देख रहे हैं एमएम टेक्निकल चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस फिश का देखने को मिलता है हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो ऐसी इस तरीके की ये फिश निकलने वाली है। चारों साइड में इसको जो कि हमें देखने को मिलती है लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पर पंख वगैरह हैं, किस तरीके से वर्क करती है यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चे इस तरीके से इसको फिश से जो है कि खेल सकते हैं। यहाँ पर जो कि ऑटोमेटिक वर्किंग करती है ये, यहाँ पर जो इसके फीचर देखने को मिलते हैं हमें ऑटोमेटिक वर्क करती है। यहाँ पर म्यूजिक भी आता है, लाइट भी आता है और इसके अंदर हमें बैटरी डालने का ऑप्शन भी आता है। दूसरी साइड से कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एडी जो दुबई प्राइस है वो इसका 22 दिरहम, अगर हम इंडिया की अकॉर्डिंग की बात करें तो 450-450 रुपये के आसपास में मिलने वाली है। दूसरी साइड से भी हमें सेम देखने को मिलती है। इधर से देख लेते हैं, यहाँ पर जो कि हमें दिया गया है बिल इसका, कि इसके नीचे जो कि इस तरीके से ये वर्क करने वाली है। अभी फाइनली इसको हम जो कि अनबॉक्स करते हैं और इसको देख निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो कि सिंपल इसको जो है कि एक पैक में और आती है इसके अंदर ये, तो हम इसको जो है कि निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से ही। और इतनी बड़ी जो है कि फिश देखने को मिलती है यहाँ पर सेम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है कि हम इसको निकाल लेते हैं पैक में से भी, तो कुछ देखने को मिलती है हमें इस तरीके की। यहाँ पर जो कि देख सकते हो सेम कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसके जो पंख है वो भी चलने वाले हैं, इसकी जो पूंछ है वो भी कुछ इस तरीके से चारों साइड में भी होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो आंखें हैं, यहाँ पर भी लाइट, इसके ऊपर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट, चारों साइड में इसकी जो कि लाइट आने वाली है। पंख कुछ इस तरीके से वर्क करने वाले हैं। नीचे से देख लेते हैं, यहाँ पर जो कि हमें देखने को मिलता है एक स्टेयरिंग जो ऑटोमेटिक ही वर्क करने वाला है, इसके जो कि सेंसर में भी काम आता है। यहाँ पर जो कि ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, यहाँ पर जो कि हमें मिलते हैं सेल डालने का ऑप्शन, और यहाँ पर जो है कि हमें मिलता है स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी आने वाली है। तो इसको ओपन करने के बाद में इसमें 3 सेल हम फिल कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी जो है कि मैंने इसके अंदर 3 सेल फिल कर लिए हैं। इसको लगा के हम जो है कि चेक करेंगे ये किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर जो कि ऑन ऑफ का स्विच दिया है, इसको जैसे कि हम इसको ओपन करेंगे एक बार में, तो इसका जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो स्टेयरिंग है वो काम करने लगा है, और किस तरीके से ये जो फिश है वो काम करने लगी है आप यहाँ पे देख सकते हो। चारों साइड में जो इसकी लाइट है वो यहाँ पर जो कि हमें देख सकते हो, इसके जो पंख है पूंछ किस तरीके से वर्क कर रही है। अभी जो है कि इसको हम जो है कि प्ले करके देखेंगे नीचे किस तरीके से ये वर्क करती है। इस फिश को हम ले आए हैं नीचे, यहाँ पे ऑन करके इसको जो है कि हम रख देंगे सिंपल, और फिर देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करती है। तो इसकी जैसे देखो ये एक्सीडेंट हुआ या कहीं से भी टकराएगी ये फिश, तो ये ऑटोमेटिक ही चारों साइड में घूमने वाली है। इस तरीके से जैसे कि इसको आप एक बार स्टार्ट कर दोगे ये चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो ये वाली जो फीस है आपने जो है कि देखा, इतनी बड़ी फीस है। इसके चारों साइड में जो कि हमें एलईडी देखने को मिलती है 3D, और ये ऑटोमेटिक ही वर्क करती है। साउंड क्वालिटी भी इसकी ऑटोमेटिक ही चलती रहती है, जैसे इसको आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो ये चलती रहेगी। मतलब कहीं को भी इसका जो है कि अगर आप ये लगती है कहीं पर भी तो आगे पीछे को ऑटोमेटिक ही होती रहती है सेंसर के जरिए से। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही डेली डेली एक से एक अच्छे जो कि टॉयसों की वीडियो इस वाले चैनल पर आती रहती है। सो गाइस, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले दीजिए इजाजत, गुड बाय।